हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। iOS 16 डेवलपर बेटा 4 एप्पल ने जो अपडेट रिलीज़ किया, तो इस अपडेट का जो साइज़ देख सकते हैं 1.67 GB, जो एक काफ़ी बड़ा साइज है। इस अपडेट के अंदर हमारे को क्या नया मिलता है, क्या बग फिक्स किया, तो हर एक चीज़ चेकआउट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। क्या इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो वीडियो जो है एंड तक देखिए तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और कौन कौन सा डिवाइस के ऊपर ये अपडेट आया, जो लोग बेटा यूज़ कर रहे हैं आईफोन यूजर से, तो iOS 16 बेटा 4 आपको देखने मिल जाएगा। iPad OS 16 बेटा 4, Mac OS 13 बेटा 4, TV है तो TV OS 16 बेटा 4 आपको देखने मिल जाएगा। तो ज़रूर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन उसको इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डाउनलोड से पहले जो इसका बिल नंबर था देख सकते हैं 20A5312J, और इसका स्टोरेज देख सकते जो अवेलेबल था 224 GB, और इसका मॉडेम फॉर्मवेयर देख सकते मॉडेम फॉर्मवेयर 2.07.00। तो डाउनलोड के बाद क्या चेंजेस आया है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो डाउनलोड के बाद देख सकते जो इसका बिल नंबर है 20A5328H, तो इसके अंदर इम्प्रूव आया है और इसके अंदर आपको नया देखने मिलता है। पहले बिल नंबर के ऊपर टैप करने के बाद अंदर जाके देख सकते थे, लेकिन अभी जो है बिल नंबर देख सकते डायरेक्टली ऊपर ही आपको दिखाएगा, इसके लिए अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसका जो स्टोरेज देख सकते 5-600 MB जो स्टोरेज बढ़ गया, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मॉडेम फॉर्मवेयर के अंदर चेंज आया है 2.08.01। तो मॉडेम फॉर्मवेयर के अंदर आपको चेंजेस देखने मिलेगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर कॉलिंग का इशू है, ब्लूटूथ का इशू है, वाईफाई का इशू आपको देखने मिल रहा था, तो इस अपडेट के अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं आपको जो है इम्प्रूव देखने मिलेगा और काफ़ी हद तक सही देखने मिलेगा। लेकिन ज़रूर यूज़ करके कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए क्या इसके अंदर चेंजेस आया है नहीं आया है। सबसे पहला जो इसके अंदर आपको नया देखने मिलेगा वो है वॉलपेपर के अंदर। जब आप वॉलपेपर के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर कुछ नया आपको देखने मिलेगा, उसके लिए आपको टैप करना पड़ेगा न्यू वॉलपेपर। न्यू वॉलपेपर के ऊपर जब टैप करते हैं तो इधर देख सकते हैं एस्ट्रोनो का जो वॉलपेपर था 2 था, अभी जो आपको जो है 4-5 आपको देखने मिल जाएगा। ब्लैक का आपको 2 मिल जाएगा और एक कलरिंग वाला का आपको 2 मिल जाएगा। पहले सिंगल सिंगल आता था, अभी इसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूव देखने मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो आपको इम्प्रूव देखने मिलेगा, तो इधर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड वेट गेस्ट, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। पहले ये ऑप्शन नहीं किया, लेकिन ये छोटा चेंजेस है। और इसके नीचे जब 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको चेंजेस देखने मिलेगा। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन आता था, अभी जो इसके अंदर आपको सिंगल ऑप्शन आता है, तो इसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने मिलेगा। इस कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद जब इस तरह से क्लिक करते हैं तो ये एनिमेशन जो है आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने मिलेगा। पहले जो है इस तरह का जो है एनिमेशन इसके अंदर नहीं था, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा इम्प्रूव देखने मिलेगा। इसके अंदर कलर वगैरह डाल सकते हैं, अगर इसके अंदर कुछ फोटो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं और कलर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, जो काफ़ी हद तक नया इसके अंदर चेंजेस किया है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आपको देखने मिलेगा, जब लॉक स्क्रीन का होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं, तो इधर एक ऑप्शन आता है डिलीट का, लेकिन पहले आता था ओनली डिलीट, अभी आता है डिलीट दिस ऑयल पेपर, तो ये ऑप्शन आपको नया देखने मिलेगा। और इस अपडेट के अंदर आपको जो नेक्स्ट नया देखने मिलता है वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर जब जाते हैं तो आपको एसेसिबिलिटी के अंदर आपको देखने मिलता है कंट्रोल नॉर्मल डिवाइस, तो इसके ऊपर जब जाते हैं जाने के बाद जो है अब इधर से कंट्रोल कर सकते हैं अपने दूसरे आईफोन के अंदर, लेकिन सेम वाईफाई होना, एप्पल आईडी पासवर्ड डालेंगे और सेम वाईफाई से अपना जो है दूसरा नेक्स्ट डिवाइस के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं एक ही फ़ोन के अंदर से, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। बहुत ही कूल ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डिवाइस है तो इसके अंदर से मैं एक ही डिवाइस के अंदर से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन ये बेटा के अंदर है, प्रॉपरली तरीके से काम शायद नहीं कर रहे मुझे जहाँ तक लगता है, तो आप लोग ज़रूर बताइए क्या ये काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। नेक्स्ट इसके अंदर आपको चेंज देखने मिलेगा वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर जब जाते हैं आपको ऑप्शन मिलता है सीरी। सीरी के अंदर देख सकते हैं कॉल हैंगिंग ऑफ, तो कॉल हैंग ऑफ जो है ये वापस रिटर्न आया है, इसको ऑन कर सकते हैं, ऑन करके इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बेटा के अंदर जो है इसके अंदर कुछ बग था जिसकी वजह से एप्पल ने इसको रिमूव कर दिया था, दोबारा जो एप्पल ने इसे ऐड किया है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपको नया देखने मिलेगा वो है मेल। मेल के अंदर जब जाते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इधर आपको ऑप्शन मिलता है अनडू सेंड डेली, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। और इधर आपको मिलता है ऑप्शन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, तो आपके हिसाब से इसको चॉइस कर सकते हैं।
अंडू मतलब कुछ अगर गलत लिख दिया तो जैसे मैं अंडू करते हैं तो फिर दोबारा उसी जगह पे आ जाता है, तो ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको नया देखने मिलता है वो है म्यूजिक। म्यूजिक के अंदर जब जाते हैं अगर आपका होम स्क्रीन हो लॉक स्क्रीन हो तो ये वॉल्यूम जो है आप इसको टैप एंड होल्ड करके डायरेक्ट आगे पीछे कर सकते हैं अपने साउंड को। पहले बेटा के अंदर ये ऑप्शन नहीं था तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो नया देखने मिलता है वो है लाइव एक्टिविटी मोड। लाइव एक्टिविटी जो है मतलब जब आप किसी कार के अंदर जाते हैं जैसे उबेर ओला तो उसके अंदर जो है ट्रैक कर सकते हैं जो कहाँ जा रहे कहाँ नहीं, तो लाइव एक्टिविटी मोड ये भी बेटा के अंदर है। ये जब स्टेबल के अंदर आ जाएगा या नेक्स्ट अपडेट के अंदर नेक्स्ट बेटा के अंदर तब प्रॉपरली तरीके से ये भी काम होगा। लेकिन जहाँ तक ये मतलब बेटा टेस्टिंग के अंदर रहता है नेक्स्ट जब अपडेट या स्टेबल के अंदर आपको प्रॉपरली देखने मिलेगा। और ऐप स्टोर के अंदर जब जाते हैं ऐप स्टोर के अंदर आप नया गेम नया ऐप्स जो लॉन्च है तो काफ़ी अच्छा प्लान काफ़ी अच्छा ही मिल जाएगा, तो इसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं ऐप स्टोर के अंदर जो काफ़ी अमेजिंग है। तो इस अपडेट के अंदर जो नया था मैं आप लोगों को बताया और जो नया फीचर्स था वो भी बताया और क्या इसके अंदर बग है वो भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरे फ़ोन के ऊपर मुझे बग देखने मिला वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर जब जाता हूँ सबसे पहला जो है क्विक फाइंड सेटिंग्स तो ये मुझे देखने मिल रहा था, लेकिन जब इसे टैप कर रहा था तो कुछ काम नहीं कर रहा था। और इसका राइट साइड में देख सकते हैं जो इसको कट करने का ऑप्शन है तो ये ऑप्शन मुझे मिल रहा था। और डायरेक्ट मैंने इसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद जो भी एप्लीकेशन है मेरा उसे मैं अपडेट पे लगा देता हूँ ताकि मुझे ऐप क्रैशेस वगैरह ना आए। तो बैंकिंग एप्लीकेशन इसके अंदर काम कर रहे नहीं कर रहे वो भी चेकआउट कर लेते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा था कुछ यूजर्स को वो है इसके अंदर हेडिंग इशू। तो वो बेटा पब्लिक बेटा है जो iOS 16 पब्लिक बेटा के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा, उसका फ़ोन इतना हीट हो रहा है वो बता रहे जो मेरा फ़ोन के अंदर गेम नहीं खेल पा रहा हूँ। लेकिन भाई जो स्टेप बताया उसके अंदर क्लियर होना था, आपके फ़ोन के अंदर क्यों क्लियर नहीं हुआ मुझे समझ में नहीं आया। तो ये है iOS 16 डेवलपर बेटा 4 जो एप्पल ने अपडेट रिलीज़ किया, कल आपको जो है पब्लिक बेटा मिल जाएगा। और इस अपडेट के अंदर आपको और एक नया जो देखने मिलता है वो है स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज के अंदर जो है iCloud का इसके अंदर थोड़ा सा बगी है। क्यों बग है इसके अंदर, जब मैं iCloud जब भी यूज़ कर रहा हूँ मेरा iCloud स्टोरेज खाली है फिर भी जो है कभी कभी जो है नोटिफिकेशन फुल आ रहे हैं, तो ये बग आपको देखने मिल जाएगा बेटा 3 के अंदर। तो जब मैंने इसको अपडेट किया अपडेट करने के बाद अभी तक जो है नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप लोग भी यूज़ कीजिए। अगर ये सारे प्रॉब्लम है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए क्या इस तरह का प्रॉब्लम आपके फ़ोन में है या नहीं है। तो इसके अंदर जो स्टोरेज बग इसके अंदर है क्या नहीं है वो भी एक बार चेकआउट करते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जनरल, उसके बाद जो है आईफोन स्टोरेज। तो आईफोन स्टोरेज के अंदर जब आते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा सर्च देखने मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सर्च कितना टाइम के लिए, एक 10 सेकंड जो है सर्च हुआ। जो मेरा iOS का स्टोरेज है देख सकते हैं 9.32 GB और मेरा जो सिस्टम डेटा है 10.33 GB। तो इसके अंदर जो है आपको थोड़ा बग देखने मिल रहा है, लेकिन स्टोरेज के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा, पहले जो है 7 GB के आसपास था अभी जो है 9.5 GB के आसपास हो गया। तो इसके अंदर iOS के अंदर थोड़ा सा जो है स्टोरेज मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो इसको जो है थोड़ा सा स्वाइप अप कर लेते हैं दोबारा और एक बार चेक करते हैं, तो देख सकते हो इतना ही है, इसके अंदर इतना कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी ओवरऑल जो फ़ोन काफ़ी अच्छा चल रहा है इसके अंदर, तो मुझे इतना हीटिंग इशू इतना मुझे प्रॉब्लम ना तो कोई दूसरा एप्लीकेशन के अंदर ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम भी चला रहा हूँ तो इंस्टाग्राम भी प्रॉपरली तरीके से चल रहा है, इंस्टा पे भी कुछ मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं कुछ इशू नहीं है। और दूसरा जो भी एप्लीकेशन हो अमेजोन हो फ्लिपकार्ट हो फेसबुक हो हर एक चीज़ यूट्यूब, तो ये काफ़ी हद तक जो सही चल रहा है, इसके अंदर मुझे कुछ दिक्कत नहीं। जो एक दिक्कत है वो है बैंकिंग एप्लीकेशन जो है काम नहीं कर रहे। अब देख सकते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन अभी भी आपको सेम ही देखने मिल रहे इसके अंदर काम नहीं कर रहे, तो सिर्फ इसके अंदर जो है आपको SBI का चल रहा है, SBI के अलावा इसके अंदर जो है बैंकिंग एप्लीकेशन अभी भी उसी तरह का प्रॉब्लम है। तो ऐप डेवलपर का काम है, ऐप जब तक डेवलप नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम देखने मिलेगा, चाहे आप पब्लिक बेटा हो चाहे डेवलपर बेटा हो। डेवलपर बेटा के अंदर इशू सॉल्व होगा तो पब्लिक बेटा के अंदर भी आपको सॉल्व देखने मिलेगा, क्योंकि डेवलपर बेटा पहले आता है पब्लिक बेटा बाद में आता है, इसलिए जो है सॉल्व इसके अंदर है तो उसके अंदर भी आपको देखने मिलेगा। इसके अंदर तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन इस अपडेट के अंदर प्रॉपरली तरीके से हर एक चीज़ काम कर रहे हैं। तो इसका जो बैटरी लाइफ वो भी एक बार चेक कर लेते, तो बैटरी लाइफ के अंदर भी आपको ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा, इसके अंदर काफ़ी हद तक सही है। तो इसका जो है एक बार CPU कोर GPU कोर चेक करते हैं। तो डाउनलोड से पहले जो मैंने इसका CPU कोर चेक किया था देख सकते हैं, तो इसका सिंगल कोर है 1744, मल्टी कोर है 4604, और डाउनलोड के बाद जो सिंगल कोर है देख सकते हैं 1737, मल्टी कोर है 4717। तो मल्टी कोर के अंदर थोड़ा सा आपको जंप देखने मिलेगा, तो स्कोर जो अच्छा निकल गया है काफ़ी अच्छा काफ़ी हद तक अच्छा है।
और इसका जो गीक बेंच है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो इसका गीक बेंच है 14,316 जो इसका स्कोर है डाउनलोड से पहले, और डाउनलोड के बाद देख सकते हैं 14,140, तो इसके अंदर जो है स्लाइटली कम हुआ है। अगर इसके अंदर आप गेमिंग भी करते हैं तो आपको जो है प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा। मुझे जहां तक लगता है हीटिंग का भी इशू देखना नहीं चाहिए। तो एक यूजर्स के अलावा दूसरा कोई भी जो यूजर्स है हीटिंग का इशू उनके फ़ोन के अंदर नहीं आया, आपके फ़ोन के अंदर हीटिंग का इशू या कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट्स कीजिए। ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है, जो मुझे इसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कॉलिंग के अंदर भी आपको कुछ प्रॉब्लम देखने मिल रहा था तो आपको इम्प्रूव देखने मिलेगा, क्योंकि इसका मॉडर्न फर्मवेयर के अंदर चेंजेस आया है। तो इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो एक दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड कर लेंगे काफ़ी हद तक अगर आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्व देखने मिल जाएगा। सेम इसके अंदर आपको आईपैड का भी अपडेट देखने मिल जाएगा। अगर आईपैड के अंदर अपडेट करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं। तो iPad OS 16 डेवलपर बेटा 4 और इसका साइज़ देख सकते हैं 1.4 GB। तो इसके अंदर भी अगर कुछ बग फिक्सेस कुछ चेंजेस है तो आपको देखने मिल जाएगा। और इसके अंदर जो है इतना कुछ नया चेंजेस नहीं है iPad के ऊपर जो आप लोगों को बताऊं, तो इसलिए जो है अगर अपडेट करना चाहते हैं तो iPad के अंदर तो अपडेट कर सकते हैं। अगर एप्पल की रिलीज नोट पे ध्यान दें जो नॉन इशू के अंदर आता है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको नॉन इशू इसके अंदर देखने मिलेगा। लगभग जो है आपको 17 नॉन इशू के अंदर आपको देखने मिलेगा। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके जरूर इसको एक एक करके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर चेकआउट करके आप लोगों को बताने गया तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जिसकी वजह से मैं शॉर्ट के अंदर आप लोगों को बता दिया। तो यही था iOS 16 डेवलपर बेटा 4 जो अपडेट एप्पल ने रिलीज़ किया। आई होप इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और बेल के आइकन को ऑल पे रखिए। जब मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं। गुड बाय।